फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज किचन। गर्मियाँ शुरू होते ही दिमाग में एक ही चीज घूमती है, ठंडा ठंडा शरबत। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मीठा मीठा बेल का शरबत। बेल के फल में काफी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन होता है। फल को हम कई तरह से यूज करते हैं। इसका अचार भी बनाया जाता है और इसका पाउडर बना के भी यूज किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। मीठा मसाले वाला एंड खट्टा मीठा बेल का शरबत। जी हाँ दोस्तों, यह है गर्मी के फ्रूट्स का किंग बेल। हालांकि इसे कोई किंग का दर्जा नहीं मिला, इसे टोन एप्पल या वुड एप्पल भी कहते हैं। हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम आज बनाएंगे बेल का शरबत। सबसे पहले हम इसे एक से तोड़ेंगे, इसकी हार्ड कवरिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने इसे तोड़ा, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट इसका पल्प होता। अब इसे हम एक बाउल पे निकालेंगे। के बीज होते हैं अंदर, वो काफी कड़वे होते हैं। एक स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। अंदर से काफी सॉफ्ट होता है, ये नारियल की तरह होता है, ऊपर से बहुत हार्ड, अंदर से सॉफ्ट। देखिए सारे इसके हमने एक स्पून से निकाल लेना है। दोस्तों, जब हम इस बेल के फ्रूट को घर पर लाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी खुशबू आती है, जैसे कोई फ्लावर हमारे घर पे आ गया। इस प्रकार से हमने पूरा निकाल लेना है। सारे पीसेस का हमने का पल्प निकाल लिया। इसका कलर भी काफी अच्छा आता है, गोल्डन कलर का ये शरबत बनता है। देखिए इसके जो बीज हैं, इस पे जेल सा होता है, काफी वो मीठा होता है, और अगर आप इसे चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम इसका शरबत बनाएंगे। इसे हम अच्छी तरह मैश करेंगे। इसे हम ग्राइंड करके नहीं बना सकते क्योंकि इसके बीज काफी कड़वे होते हैं और बीज को निकाला नहीं जा सकता। इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम चाशनी में इसे पका के बनाते हैं। चाशनी में पका के बनाया जाता है, उसे हम स्टोर कर सकते हैं, पर पका के बनाने से ये होगा कि इसका सारा असर खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट यह है कि आप इसे अगर फ्रेश बना रहे हैं तो इसे इस तरह मिक्स कर दीजिए। पानी ऐड करेंगे इस पर, थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर स्पून से मिक्स करने के बाद इस पर और पानी ऐड करेंगे। दो गिलास करीब पानी ऐड कर दीजिए। अभी मैंने नॉर्मल पानी लिया है क्योंकि इसे मिक्स करना है। पानी अगर ठंडा होगा तो ठीक से मिक्स नहीं होगा। अपने हाथों से इसके पल्प को मिक्स करना है। थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। हाथों से मिक्स करने से इसके रेशे अलग हो जाएंगे। बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है इसकी। वैसे तो सारे फ्रूट्स पे ही
अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, पर बेरी में तो कुछ ज्यादा ही विटामिन है। ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, बेल काफी फायदे वाला फ्रूट है और ये सारे फ्रूट से काफी अच्छा होता है। इस तरह मिक्स करें। इस गर्मियों में बेल का शरबत जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सारे बीजे इसके अलग हो गए हैं, अब हम इसे छानेंगे। इस तरह की कोई भी छन्नी लेके आप इसे छान सकते हैं। सारे रेशे इसके छन जाएंगे। इसे छानने से काफी गाढ़ा जूस हमें मिलेगा, अगर आप चाहें तो उसे पतला भी कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि और अच्छे से ये छन जाए। बस आप इस पे बर्फ ऐड कीजिए और जूस तैयार। अब हम इसे एक जार पर निकाल लेंगे। मैं आपको तीन तरह के फ्लेवर बताऊंगी। एक तो मैंने चीनी को पीस लिया है, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर एंड नींबू को काट लिया हमने। लीजिए फ्रेंड्स, पहला फ्लेवर मीठा वाला। एक ग्लास पे डालेंगे जूस को। बस स्वाद अनुसार आप चीनी डालिए, 2 टीस्पून। ये बन गया आपका मीठा बेल का शरबत। अब आएगा सेकेंड टेस्ट। इस पे भी चीनी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से मिक्स कर दीजिए। इस पे ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। ये हो गया मसाले वाला बेल का शरबत। अब बारी है थर्ड टेस्ट की। ग्लास पे डालेंगे हम शरबत। इस पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शक्कर का पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जीरा पाउडर एंड अब इस पे हम ऐड करेंगे नींबू, नींबू का रस। ये हो गया हमारा खट्टा मीठा एंड मसाले वाला बेल का शरबत। लीजिए फ्रेंड्स, रानीज किचन का 3 फ्लेवर का बेल का शरबत तैयार है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिल सके।